हेलो दोस्तों, मैं हूं रिया और आज मैं आपको बताऊंगी वोडका से होने वाले फायदों के बारे में। वोडका को अल्कोहल की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि वोडका अगर संतुलित मात्रा में पिया जाए तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। इसके अलावा डेली रूटीन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वोडका में विटामिन बी, सोडियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके सेवन करने के अलावा इसके और कौन कौन से फायदे होते हैं। बुखार और सिरदर्द होने पर वोडका आराम दिलाती है। सिरदर्द होने पर वोडका को पानी में मिलाकर साफ तौलिए को उसमें भिगोकर निचोड़ लें। इस साफ तौलिए से सिर पर रखें, इससे आपको आराम मिलेगा। यदि आपकी त्वचा पर किसी जहरीले कीड़े ने डंक मार दिया हो, जिसके वजह से दर्द हो रहा हो या त्वचा लाल हो गई हो, तो उस जगह पर वोडका लगा लें। इससे दर्द भी कम होगा और चकत्ते भी दूर हो जाएंगे। वोडका की कुछ बूंदे बालों में डालकर आप इसका प्रयोग करें। ये बालों में मौजूद रूसी को हटाता है और इसके इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। वोडका को एक अच्छी माउथवॉश की तरह भी यूज किया जा सकता है। एक कप वोडका को 9 चम्मच दालचीनी के पाउडर के साथ मिक्स करके पेस्ट बना लें और 2 सप्ताह तक इसे किसी बर्तन में रखें। ध्यान रखें इसके अंदर हवा न जाए। उसके बाद इसे छान लें और गर्म पानी में मिलाकर कुल्ला करें। इससे मुंह साफ हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखें इसे निगले ना। अगर आप बैंडेज को हटाने से पहले उस पर वोडका की कुछ बूंदे डाल दें तो इससे निकालते समय दर्द नहीं होगा और बैंडेज भी आसानी से निकल जाएगा। कान में दर्द होने पर उसमें वोडका की कुछ बूंदे डालकर 5 मिनट तक छोड़ दें। उसके बाद उसे साफ कर दें। ऐसा करने से कान का दर्द ठीक हो जाएगा। ये कान के दर्द के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया को समाप्त कर देता है। त्वचा के रंगत को निखारने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा उपाय है। कॉटन में वोडका की कुछ बूंदे डालकर इसे धीरे धीरे त्वचा पर मलने से त्वचा में निखार आता है। यदि आपको किसी प्रकार का दर्द हो रहा हो तो 1/2 कप वोडका और 1/2 कप पानी मिलाकर फ्रीजर में रख दें। जब ये जम जाए तब इसे दर्द वाले जगह पर लगाएं। इससे आपको आराम मिलेगा। इसी के साथ वोडका के फायदों पर बना हमारे ये स्पेशल वीडियो यही समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खों के बारे में जानने के लिए अभी हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास न आने देना। सो टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।